चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम 151 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। हम 200 पूरा करेंगे, यानी 50 क्वेश्चन हमारे इसमें रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे सभी। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप ज़रूर देखिएगा। ए ऑप्शन सही होगा, जिम कॉर्बेट उद्यान है जो कि अभयारण्य है, वो है उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? दोस्तों भारत में कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जो कि उसे भारतीय अनुसंधान द्वारा क्लियर किया गया है। तो चलिए हम बताते हैं दोस्तों, ए बी सी डी। तो इसमें आपको 4, 5, 6, 8 दिया है, तो 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, जो कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा इसे पारित किया गया है, बनाया गया है कि 8 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं भारत में। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम। 153 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो डी ऑप्शन है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो कि जिसमें धान वगैरह पैदा होते हैं, तो ये काली मिट्टी लगभग होती है, जलोढ़ होती है, बहुत ज़्यादा जल को जो है ग्रहण करती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों कि 154 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी का विस्तार किस तरह की मिट्टी का पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें लाल है, लेटराइट है, जलोढ़ है, और इसमें काली मिट्टी है। तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का जो है विस्तार पाया जाता है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों 155 नंबर। तो भारत के समस्त स्थल का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी में ढका हुआ है, मतलब भारत का जो एरिया है टोटल, उनमें से कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से घिरा हुआ है? तो वो है 24%। कितना है दोस्तों? 24%। सी ऑप्शन आपका सही होगा, 24% से घिरा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन 156 नंबर पे, भारत में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस चीज़ से होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नहर के द्वारा कि तालाब, कुआं, या किसी और के द्वारा, नलकूप और कुएं के द्वारा? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, नलकूप और कुएं के द्वारा ज़्यादा सिंचाई होती है भारत में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों कि 157 में, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है भारत में जो तालाबों की सिंचाई की जाती है? दोस्तों वो है सी ऑप्शन है, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा तालाबों की सिंचाई, तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों अगले, तो 158 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि धान का उत्पादन जो होता है धान? तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल, जो कि धान का उत्पादक या चावल का उत्पादक करता है। उसके बाद आगे बात करें दोस्तों 159 नंबर, तो यहाँ पे है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी कि नहरों के द्वारा सिंचाई होती थी दक्षिण में, अभी आपने देखा कि तालाब की सिंचाई होती थी, तो अब नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा कहाँ पर सिंचाई होती है? तो सबसे ज़्यादा पंजाब में होती है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही होगा, पंजाब में। उसके बाद आगे है 160 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि रेगुड़ मिट्टी, जिसे रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पे है, किस राज्य में है, किस स्टेट में है भारत के? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड देहरादून। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है दोस्तों, जो रेगुड़ मिट्टी होती है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिलती है। उसके बाद 160 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? जो काली कपासी मिट्टी होती है वो किस नाम से उसे जाना जाता है? तराई, रेगुड़, बांगर और खादर। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों इसको जाना जाता है रेगुड़ मिट्टी के नाम से, और जो कि बी ऑप्शन आपका सही होगा, रेगुड़ मिट्टी। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों 162 नंबर क्वेश्चन का, तो यहाँ पे भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा फसल खाई जाती है या प्रमुख रखा गया है? तो इसे गेहूँ, चावल, गन्ना और चना। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, चावल। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में 163 नंबर, भारत के सर्वाधिक, जो भारत की दोस्तों सर्वाधिक, भारत के सर्वाधिक एकल भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? एकल मतलब एक ही तरह की भूमि, एक ही भूमि में कौन सी सबसे ज़्यादा फसल उगाई जाती है? तो वो है धान। दोस्तों ए ऑप्शन आपका सही होगा, धान उगाया जाता है, गेहूँ, गन्ना का मक्का नहीं, केवल धान उगाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों कि
164 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। मूंगफली सबसे ज़्यादा किस राज्य में उगाया जाता है दोस्तों? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन सही हुआ दोस्तों, गुजरात में। मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में हो दोस्तों, गुजरात में होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, अब 65 नंबर है। तो यहाँ पर देखते हैं भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, ए ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में नहीं होती दोस्तों, एमपी में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 166। भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केरल है, सी ऑप्शन सही है दोस्तों। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक नहीं है दोस्तों। अगले बात करें अगले क्वेश्चन की दोस्तों, 167 नंबर। तो कौन सा भारत का राज्य है जो अग्रणी दलहन उत्पादक है? यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो कि दलहन का उत्पादक सबसे ज़्यादा करता है? नई दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब। तो सबसे ज़्यादा है राजस्थान दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, जो कि सबसे ज़्यादा राजस्थान करता है। अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों, यहाँ पे भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है कौन सा दोस्तों? केसर का उत्पादन कौन सा करता है दोस्तों? ये बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। कौन सा करता है? जम्मू कश्मीर करता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो कर्नाटक है, सी ऑप्शन सही होगा। रेशम का उत्पादन सबसे कहाँ होता है दोस्तों? ज़्यादा कर्नाटक में होता है दोस्तों, कर्नाटक में। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे, फसल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में दोस्तों, ये ए ऑप्शन सही होगा, प्रथम। कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही होगा, प्रथम। अब इसी 71 नंबर क्वेश्चन में, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में दो है दोस्तों, और पहला क्या होना चाहिए दोस्तों? चाइना, चाइना है पहला और दूसरा है भारत। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही है दोस्तों, इस पे पश्चिम बंगाल है जो कि जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भारत में सर्वोत्तम चाय का कहाँ पैदा होती है? सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम चाय, अच्छी चाय कहाँ पर पैदा होती है? जो सबसे ज़्यादा की बात नहीं करें, सर्वोत्तम चाय की बात करें दोस्तों, तो ये दार्जिलिंग में पैदा होती है चाय। सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होती है दोस्तों? दार्जिलिंग में। उसके बाद आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है दोस्तों? अभी जस्ट हमने आगे बताया, सर्वोत्तम चाय जो होती है दार्जिलिंग में होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? आसाम में होती है। आप सब लोग जानते हैं, सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहवा। तो ये कर्नाटक में कहवा का उत्पादन है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश, जिसे हम चीनी का कटोरा भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों हम, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों केरल में होता है सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन, सबसे ज़्यादा केरल में होता है। उसके बाद अगले भारत भारत में स्वच्छ जली मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? पश्चिम बंगाल है, जो कि सबसे स्वच्छ जली मछली का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो सबसे ज़्यादा है दोस्तों पंजाब, उत्तर प्रदेश है जो कि दूध सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 1970 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1970 में दोस्तों, 1970 में ऑपरेशन फ्लड का स्टार्टिंग हुआ। उत्पादन राज्य कौन सा है? पटसन। पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? पश्चिम बंगाल है, ए ऑप्शन सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन भी दोस्तों। तो यहाँ पर दिया है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा है दोस्तों गेहूं उत्पादक उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो दोस्तों कर्नाटक में होता है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादक कर्नाटक में होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत में किस
खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो वो है चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी होती है, जल विद्युत, ताप विद्युत, सौर ऊर्जा, परमाणु विद्युत। तो ताप ऊर्जा जिसे कि थर्मल पावर प्लांट इसके पहले हमने बताया है, भाप के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि तारापुर है जो कि मुंबई में स्थित है। सी ऑप्शन सही होगा, तारापुर सबसे पुराना विद्युत उत्पादन परमाणु ऊर्जा उत्पादक है। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, तो सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, दार्जिलिंग में शुरू हुई थी दोस्तों, कहाँ पर, दार्जिलिंग में। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों कि भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है दोस्तों। वाणिज्यिक ऊर्जा का मतलब होता है दोस्तों, वाणिज्यिक मतलब इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम थर्मल से ले लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों 67%, 67% कोयला के द्वारा जो है ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। आगे दोस्तों बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान हो स्रोत है, तो वो है सबसे ज़्यादा कोयला। ए ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, ऊर्जा का सबसे ज़्यादा किससे होता है, कोयला से। भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है, लोहा सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ है दोस्तों, ए बी ऑप्शन सही होगा, छत्तीसगढ़ है आपका जो कि लोहा उत्पादन करता है। उसके बाद भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, वो है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, महाराष्ट्र। तो ए ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, कौन सा है, राजस्थान सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो ये भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा है दोस्तों, कौन सा है, उड़ीसा, आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक हीरा निम्नलिखित से स्थान से निकाला जाता है, हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है हीरा, गोलकुंडा, क्लिनोन, पन्ना एंड जयपुर। तो सी ऑप्शन सही होगा, पन्ना है जो जहां से हीरे का जो है निकाला जाता है दोस्तों। अगला, भारत में स्वर्ण कहां पाया जाता है, यानी कि सोना कहां पर पाया जाता है दोस्तों, कोलार, पन्ना, मोतीपुरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसे आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइए भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है, सोना कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर दोस्तों, झारखंड में पाया जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़ दोस्तों, झारखंड छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा कोयला का भंडार पाया जाता है। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ, खनिज तेल जो होते हैं वो किस तरह के चट्टानों में पाए जाते हैं, तो वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे हैं, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था कहाँ पर, डिगबोई में, नटहरकुला में, अलकेश्वर में, इनमें से कोई नहीं। तो डिगबोई में सर्वप्रथम हुआ है दोस्तों, डिगबोई आसाम में पड़ता है, सबसे ज़्यादा पहले शुरुआत में स्टार्टिंग हुई थी तो डिगबोई खनिज तेल का उत्पादन हुआ था डिगबोई आसाम में। उसके बाद आगे बात करें दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यूरेनियम खाद कहाँ स्थित है, क्या यूरेनियम खान मतलब खान जिसे अब खान बोलते हैं, खान कहाँ पर है, यूरेनियम की खान, तो दोस्तों है जादूगोड़ा में है दोस्तों, ये बहुत ही फेमस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। जादूगोड़ा बी ऑप्शन सही होगा, जादूगोड़ा में है जो यूरेनियम की खान पाई जाती है, जहाँ से यूरेनियम निकलता है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है, गंधक सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है दोस्तों, वो है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन सही होगा, गंधक का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन लास्ट में है दोस्तों, भारत में अंकलेश्वर किससे उत्पादन के लिए जाना जाता है, अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है दोस्तों, तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए अंकलेश्वर जाना जाता है, जो एक स्थान है बहुत ज़्यादा जानते हैं उसको फ्रेंड। तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए हमने जो क्वेश्चन आपको बताए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम अगले स्लाइड में आपको उपलब्ध